जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे लोग, कभी भी हो सकती है बड़ी घटना। पुल के दोनों तरफ ना तो कोई बैरिकेटिंग और ना ही कोई तैनात है कर्मचारी। सिवनी जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते पुल एवं पुलिया कई जगहों पर उफान पर हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा चेतावनी भी जारी करते हुए बाढ़ रहने की स्थिति में पुल एवं पुलियों को पार न करने की हिदायत दी जा रही है। तो वहीं जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ रहने की स्थिति में पुल एवं पुलियों पर बैरिकेटिंग करते हुए विभागीय कर्मचारियों की भी तैनाती करने के निर्देश दिए गए। उसके बावजूद कई जगह से नाला पार करते हुए लोगों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला छपारा तहसील के अंतर्गत ग्रामीण इलाके में चमारी से आधे गांव जाने वाले मार्ग पर डांगावानी गांव से गुजरने वाली बिजना नदी में बने पुल के ऊपर से करीब 2 फीट पानी जा रहा है। उसके बावजूद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पुल पार करते देखे जा सकते हैं। तो वहीं इस पुल के ऊपर से बाढ़ का पानी जाने की वजह से कई घंटों तक आवागमन रुक जाता है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आता है, जो चमारी एवं आदेगांव क्षेत्र के आसपास से लगे लगभग 50 गांवों को जोड़ता है, जो थोड़ी सी भी बारिश में अधिक उफान पर आ जाता है, जिसकी मुख्य वजह पुल की हाइट नदी के समान होना है। जहां क्षेत्र में बारिश होते ही पुल के ऊपर से पानी जाने लगता है, जिससे पूरी तरह से कई घंटों के लिए आवागमन बंद हो जाता है, जिसमें स्कूल के बच्चों को एवं मरीज तथा क्षेत्रीय लोग सहित किसानों को सबसे अधिक समस्या हो जाती है। कभी कभी बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर भी पुल पार करने में मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई में प्रभाव न पड़े। तो वहीं जिला कलेक्टर के निर्देश के बावजूद इस पुल के दोनों तरफ ना ही बैरिकेटिंग की गई है और ना ही कोई कर्मचारी की तैनाती, जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करते देखे जा सकते हैं। तो वहीं क्षेत्रीय लोगों ने इस पुल को ऊंचा करने की मांग को लेकर कई बार संबंधित विभागों को आवेदन देकर निवेदन किया। उसके बावजूद प्रशासन को इसकी जानकारी होने के बाद भी आज दिनांक तक निराकरण नहीं हो पाया है, जबकि यह छपारा से लखनादौन जाने वाले मुख्य मार्ग में पड़ने वाला पुल है। यदि जल्द से जल्द कोई इंतजाम नहीं हुआ तो कोई बड़ी घटना भी होते देर नहीं लगेगी।